तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं चौड़ी बाजार हिजामत सेंटर। आप लोग के लिए मैं हिजामत सेंटर जा कर के सारा चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा और डॉक्टर से ही बात कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए मैं आया हुआ हूँ दिल्ली का चौड़ी बाजार में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक भाई साहब है, ये हमारे सब्सक्राइबर भी है और ये भी हिजामा कराने के लिए आए हुए हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ नजफगढ़ में। तो ये नजफगढ़ में रहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा हेयर फॉल हो रहा है, 3-4 साल हो गए। तो दोस्तों इनका हेयर फॉल 3-4 साल दिखाई, थोड़ा कंडीशन आपका? अभी तो मैं शेव करा लिया है, पूरा शेव करा लिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बोलिए ना, हिजामा कराने के लिए। तो दोस्तों इन्होंने सेव करा के आया हिजामा कराने के लिए। तो दोस्तों मैं भी आज हिजामा करा था, लेकिन मेरा बैड लक है कि मैं आज शुगर टेस्ट कराया और मेरा शुगर जो है फास्टिंग 172 आ गया, तो इसलिए मैं नहीं करा पा रहा हूँ हिजामा। लेकिन आप लोगों को ये भाई साहब है और अंदर में दो भाई साहब है, वो भी हेयर फॉल की वजह से करा रहे हैं। तो दोस्तों उन लोगों को भी हम देखते हैं और आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों आप देखिए, आपका जो हिजामा होने के पहले क्या क्या टेस्ट होता है, प्रेशर चेक होता है, ये देखिए। दोस्तों हिजामा से आपको घबराना नहीं है और आपका जो ये कट देखते हैं, ब्लड देखते हैं, उससे डरना नहीं है। थोड़ा सा पेन, हल्का भी पेन आपको महसूस ज़्यादा नहीं होगा। अभी भाई साहब कराएंगे, फिर मैं आपका दिखाऊंगा इनका कितना पेन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले शुगर टेस्ट आप करा लेंगे, उसका बीपी का टेस्ट होगा। सूजन वगैरह तो नहीं आती, मतलब स्वेलिंग सर आप बताइए कुछ। हिजामा करवाने आया हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। काफ़ी सुना था मैंने हिजामा के बारे में कि टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, तो यहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है मुझे, कॉस्ट इफेक्टिव है और सर्विस काफ़ी अच्छी है इनकी। और इससे पहले इन्होंने एक सेशन लिया था जिसमें उन्होंने इन्होंने पूरी प्रॉपर नॉलेज ली थी सेल्स के बारे में, सेल्स कैसे वर्क करते हैं हिजामा से और कैसे आपके जो टॉक्सिन्स हैं रिमूव होते हैं आपकी बॉडी से, और जैसे आपके टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं कैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन ही कोई भी डिजीज है, अगर तुम डॉक्टर की तरह बता रहे, बहुत सुंदर बताओ। हाँ जी, कोई भी वैसे भी अगर कोई चीज़ है, कोई भी डिजीज है, ब्लड सर्कुलेशन से ही होती है। अगर जहाँ ब्लड सर्कुलेट नहीं होता किसी भी पार्ट पे, तो वो पार्ट वर्क नहीं करता। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम भुवनेश ठाकुर है, निकनेम आरुष है मेरा। तो दोस्तों इनका नाम क्या बताए? भुवनेश ठाकुर और निकनेम आरुष। तो मुझे काफी नॉलेज है इस चीजों के बारे में, मैं रीच करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। रिसेंटली मैं अपना, सर आप कहाँ रहते हैं? मैं गुड़गांव से रहता हूँ। गुड़गांव? अरे यार मैं तो वहीं से आ रहा हूँ अभी। मुझे पता हो तो चलो मिल लिया करेंगे अभी। तो काफी स्टडीज की है मैंने गाइस इसकी रिगार्डिंग। कितना रुपए? 540 रुपीज दिया मुझे ओला वाले के। ओके एक बार सर बताएंगे सेल्स कैसे वर्क करते हैं वीडियो में? जी मैं बता दूंगा, दोबारा आपको बता देना। बेसिकली ऐसा होता है कि हमारे जितने भी सेल्स हैं, जो बॉडी हमारी करोड़ों लाखों करोड़ों सेल्स से बनी हुई है, जो भी हम खाते हैं वो बेसिकली एनर्जी वो सेल्स लेता है, कंज्यूम करता है और उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना देता है, यानी कि गंदगी बनाता है, जो नॉर्मली यूरिन और पॉटी के जरिए से निकल जानी चाहिए, जो कुछ बचे तो वो स्वेटिंग पसीने के जरिए से निकल जानी चाहिए, कुछ कंडीशंस में वो नहीं निकल पाती है। अब वो खाने पीने की इरेगुलरिटी हो, भाई लेट खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, वो वजह हो, या फिर आप रात को जाग रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, खाना पीना भी अभी हो रहा है, उसमें ओजोन चीज मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, पॉल्यूशन, आप एयर पॉल्यूशन वो ले रहे हो, तो वो इनटेक करोगे तो जाहिर सी बात है वो बने गई टॉक्सिन। तो ये एक तरह से उस टॉक्सिन को निकालने का तरीका है, तो ये है। और अभी हम इनका दिखाएंगे कि हम 8 पॉइंट डिटॉक्स करते हैं,
अच्छा। और एक चीज और है कि हेयर फॉल, जैसे कि आपने देखा होगा हेयर फॉल का चैनल है विपिन मेहता जी का, तो हेयर फॉल का एक और रीजन होता है इनडाइजेशन, तो ये हिजामा करवाने से आपको उसमें भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर आप करवाएंगे तो। चलिए आपका सेशन देख करके फिर नेक्स्ट वीडियो में आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे। हाँ डेफिनेटली, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर हैं सभी को फिर रिपोर्ट आपका दिखाएंगे। हाँ जरूर जरूर। दोस्तों देखिए इनका कैप लग रहा है, ये कप्स लगा दिए हैं हमने, और ये कप्स जो है एक तरह से ड्राई कपिंग का भी फिलहाल काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम इन कप्स को निकाल के और इसमें हम काफी प्रेशर क्रिएट होता है। जी प्रेशर क्रिएट होता है, थोड़ा सा मसाज का इफेक्ट आता है हल्का हल्का सा। हाँ जी। और उसके बाद निकाल के हल्का हल्का सा हम इसमें कट्स लगाएंगे। ओके। तो आप जो करवा रहे हैं शंकर जी उनसे आप बात करते हैं, तो सर के आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है? नहीं अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। दर्द महसूस नहीं हो रहा है? जब कटिंग हुआ तो हल्का कुछ इस तरीके का? बहुत माइनर था। बहुत माइनर। तो दोस्तों बहुत माइनर दर्द है, पेन है, जो आप इंजेक्शन लेते हैं उस टाइप से ही दर्द है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ब्लड देख कर घबरा जाते हैं, जिस तरह पहले हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट में देखते थे पीछे का बैक का जो कट होता था एफ्यूटी टेक्निक में, तो क्या होता बहुत ज़्यादा घबराहट होता था। लेकिन अभी क्या आप लोग वीडियो देखते देखते नॉर्मल हो गए और आप लोग को डर नहीं लगता है ट्रांसप्लांट से, उसी तरह हिजामा में भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और आपका जितना भी टॉक्सिन ब्लड है सिर्फ उसको निकाला जाता है। तो दोस्तों आप